फाइव जीरो अगर एन टी टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच लिखा है ठीक है तो चेक करो क्या कन्फॉर्मिंग पार्टी की बुक्स में भी बैलेंस पांच आ रहा है कि नहीं यानी कन्फॉर्मिंग पार्टी भी सेम बैलेंस बता रही है कि नहीं इसके लिए बस आपको एक प्रोसीजर करना पड़ता है इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन तो आपने देखना है क्या सर एंटिटी की बुक्स में जो बैलेंस है वो कंफर्मिंग पार्टी से मैच हो रहा है कि नहीं तो इसका नाम क्या बन गया सर इसका नाम बन गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन सो ये क्या है ये एक ऑडिट एविडेंस है ऑडिट एविडेंस विच इज ओपटेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स डायरेक्ट का क्या मतलब ऑडिटर को डायरेक्टली मिलेगा किसी और को मिलेगा तो हम इसको नहीं मान सकते ठीक है सर दूसरी चीज इट शुड बी रिटर्न रिस्पॉन्स मतलब ओरली अगर आपने कॉल वगैरह पे पूछा है, तो वो नहीं चलेगा सो इट शुड बी अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स किसको मिलेगा टू द ऑडिटर कहां से मिलेगा फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी आप उसको थर्ड पार्टी बोल दो प्लस इट कैन मीन पेपर फॉर्म इट कैन मीन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम ठीक है सर अब एक बात बताओ क्या हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन की थी याद है ऐसे 500 में पेपर फॉर्म ज्यादा रिलायबल रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सर पेपर फॉर्म ऑलवेज दॉक्यूमेंट्री फॉर्म विल बी मोर रिलायबल ओरिजिनल रिलायबल देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो यह भी एक छोटी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है अब एक बार बताओ सर क्या इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन वगैरह देखी थी एक बार बस इनको रीड कर लेना गोथ्रू कर लेना बहुत आसान सी डेफिनेशन है फिर आता है सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ये जो एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन प्रोसीजर है क्या मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूं या मुझे एज अ ऑडिटर इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा सर कंट्रोल करना पड़ेगा जो पूरा प्रोसीजर है इसको आपने अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा यानी ऑडिटर हैज टू मेंटेन अ कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन प्रोसीजर अब इसके चार स्टेजेस बताओ सबसे पहले यह डिसाइड करो क्या जानना है भेजने से पहले यह तो देखो आपको जानना क्या है तभी तो पूछोगे हाँ क्या जानना है फिर डिसाइड करो किससे जानना है यानी सबसे पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म और रिक्वेस्टेड फिर देखो आपको किससे जानना है यानी आपने एक अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी देखनी है जिससे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिर तीसरी चीज क्या है अब आप इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करो आपने इसको प्रॉपरली एड्रेस करना है सही बंदे को एड्रेस वगैरह करना है प्लस इसमें मैनेजमेंट की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए अगर मैनेजमेंट की ऑथोराइजेशन वगैरह नहीं होगी तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा एंड उसके बाद आप इसमें रिटर्न इंफॉर्मेशन भी डालो रिटर्न इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जब सामने वाली पार्टी इसको वापस भेजे तो किसको भेजे तो जो ऑडिटर का एड्रेस रहेगा वो सब आप इसमें बताओगे एंड लास्ट पॉइंट क्या है अब भेज दो यार अब भेज दो मुहूर्त निकलवाओगे क्या यानी सेंड द रिक्वेस्ट एंड लास्ट में फॉलोअप वगैरह करके चलना अगर सामने वाली पार्टी जवाब नहीं दे रही सो आप फॉलोअप वगैरह करके चलोगे तो चार स्टेप का प्रोसेस है क्या इंफॉर्मेशन चाहिए किससे चाहिए यानी एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी फिर आपने उस कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना है एड्रेस वगैरह डाल देना उसमें प्रॉपरली सामने वाले बंदे को एड्रेस कर देना प्लस रिटर्न इंफॉर्मेशन दे देना एंड आखिरी में सेंड एंड फॉलो अप फिर एक बात बताओ क्या इंफॉर्मेशन ले सकता हूं क्या मैं सिर्फ अकाउंट बैलेंसिस की अमाउंट्स देख सकता हूं या मैं बाकी डिटेल्स भी ले सकता हूं सर आप उनके एलिमेंट्स भी देख सकते हो एलिमेंट्स का क्या मतलब है सपोज अगर कोई डेटर रहेगा तो उसके साथ जो मेरा सेल्स एग्रीमेंट है वो भी देख सकता हूं जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है वो भी देख सकता हूं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सिनोनिम्स हैं है प्लस क्या मैं एग्रीमेंट का छोटा एग्रीमेंट भी देख सकता हूं हां

हमको डिजाइन करना है हमारा लव लेटर यानी लव लेटर के लिए क्या लाए आर्चीज का कार्ड लेके आओ आर्स के कार्ड में क्या देखेंगे सर उसका फॉर्मेट एकदम प्यारे प्यारे हार्ट होने चाहिए यानी आप देखोगे लेआउट एंड प्रेजेंटेशन फिर क्या एज इट इज कार्ड दे दोगे अपने दिल की बातें लिखेंगे सर दिल की बात लिखेंगे ना उसको क्या कहते हैं अजर्शन बीन एड्रेस्ड ये सब जो आप करोगे अपने प्रायर एक्सपीरियंस के हिसाब से करना बट आपका प्रायर एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा है

कबूतर के थ्रू भेजो जैसे भेजना भेजो यानी आपने क्या देखना है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड लास्ट पॉइंट क्या था नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अदर पार्टी यानी अब उस डिपेंड करता है वो हां बोलेगी या ना बोलेगी यानी द एबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मिंग पार्टी टू कन्फॉर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर है हाँ सर ये तो हमारे दिल की बातें थी अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट एकदम बढ़िया वाला सर क्या मैं गया मैनेजमेंट के पास सॉरी बच्चे बताओ जल्दी से मैं गया मैनेजमेंट के पास मैंने मैनेजमेंट को कहा मुझे उस सप्लायर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे उस सप्लायर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है मैनेजमेंट कहते नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता सबसे पहले अगर मैनेजमेंट मना करे तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे रीजन पूछोगे मैनेजमेंट कहती है नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कोर्ट केस चल रहा है तो क्या तुम सिर्फ रीजन सुन के वापिस आ जाओगे या रीजन को लेकर एविडेंस भी लोगे सर एविडेंस भी लेंगे यानी वो रीजन वैलिड और रीजनेबल है आहा, वो रीजन वैलिड और रीजनेबल है इसको लेके ऑडिट एविडेंस लेंगे अब अगर ऑडिट एविडेंस मान लो नहीं मिल रहा यानी मैनेजमेंट के मन में चोर है देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड ओ अब अगर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी इसका एक और एंगल इसका एक और एंगल क्या है जब आप अपना मेन ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते तो सारे बच्चे बताओ अगर मेन ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते तो क्या करें मैंने कहा अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी हमने सीख लिए डेटर्स को चेक करने के लिए आप सेल्स चेक कर सकते हो कि उनको प्रॉपरली सेल्स हुई थी कि नहीं शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई डेटर है तो उससे सब्सिक्वेंटली पैसा भी आएगा हाँ तो सब्सिक्वेंट कैश रिसीट देख लो इसी तरह क्रेडिटर है तो उसका उल्टा कर दो सर उल्टा कर दे क्रेडिटर को मैंने कहा क्रेडिटर को उल्टा मत करो पॉइंट को उल्टा करो मतलब अगर कल को कोई क्रेडिटर है तो उसके केस में सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट यानी आपने ईयर एंड के बाद उसको पेमेंट्स करी हैं, उससे पता चल जाएगा क्या क्रेडिटर है हाँ प्लस उसमें शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी गुड्स रिसीव होंगी तो जो गुड्स रिसीव नोट्स हैं वो सब आप देख सकते हो यानी आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कर सकते हो टू गेट रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस बट अगर मैनेजमेंट ने परेशान कर रखा है अक्षय कुमार ने परेशान कर रखा है तो कौन आया था शाहरुख खान आया था शाहरुख खान का क्या मतलब है मैंने कहा मैनेजमेंट ने परेशान कर रखा है मतलब अगर आपको लगता है रिफ्यूजल अनरीजनेबल था आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप टीसी के पास जाओ फिर भी अगर एविडेंस ना मिले तो ऐसे सेवन जीरो फाइव के हिसाब से रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में थम्सअप दे दो जल्दी से एक बार चैटबॉक्स में थम्सअप दे दो सारे बच्चे क्विकली गिव मी अ थम्सअप इन द चैट बॉक्स ऐसे सेवन जीरो फाइव के हिसाब से रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे कम ऑन नहीं सर मॉडिफाई नहीं इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे मॉडिफाई नहीं करेंगे इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट क्यों क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये एरिया मटेरियल है या नहीं हमको नहीं पता ये एरिया मटेरियल है या नहीं हम देखेंगे कि मटेरियल है या नहीं उसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या ऐसे 705 के हिसाब से होना चाहिए क्लियर है क्लियर है सर अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट वी डिस्कस्ड इन द क्लास दैट इज पीसीआर एनसीआर ये पीसीआर और एनसीआर क्या था सबसे पहले बात करते पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है सर सामने वाली पार्टी आपको रिप्लाई करेगी इन ऑल द केसेस चाहे वो एग्रीमेंट करती है या नहीं करती है या फिर वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अब एक बात बताओ ये इतनी अच्छी रिक्वेस्ट है तो इसको क्या बोले रिलायबल ऑडिट एविडेंस बट सर इसमें रिस्क है रिस्क क्या है वो आपको रिप्लाई कर सकती है विदाउट इवन चेकिंग कि जो इंफॉर्मेशन आपने उनसे रिक्वेस्ट करी ना चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं द अदर पार्टी में रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग इफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट तो सर क्या करें वो जो दूसरी टाइप की कंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट होती है ना जिसमें आप इंफॉर्मेशन भरवाते हो हाँ ब्लैंक कंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट वो भेजो आस्क द कंफॉर्मिंग पार्टी टू फिल द अमाउंट बट इसमें भी झंझट है सर क्यों जब उसको इंफॉर्मेशन चेक करके भरनी होगी बड़ी मेहनत लगेगी दिस कैन लीड टू अ लोअर रिस्पॉन्स रेट बिकॉज ऑफ द एडिशनल एफर्ट क्लियर है क्लियर है सर एनसीआर में क्या था मैंने कहा कुछ नहींगटिव है नेगेटिव का क्या मतलब है जब सामने वाली डिसएग्री करेगी तभी वो रिप्लाई करेगी बट ऐसा भी तो हो सकता है उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कभी मिली ना हो ऐसा भी तो हो सकता है उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मिली हो उसने इग्नोर कर दिया हो हाँ सर सो इट प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव एविडेंस देन द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अब आईसीआई क्या पूछेगा चार केसेस बताओ जो सेटिस्फाई होंगे चार सर्कमस्टेंसेस बताओ जो सेटिस्फाई होंगे तब आप एनसीआर यूज कर सकते हो आई वॉन्ट द आंसर इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ चार सर्कमस्टेंसेज जब हम एनसीआर को यूज कर सकते हैं मुझे वो रैप सुनना है जो हमने रैप याद किया था दो चीजें कम एक चीज ज्यादा इग्नोर नहीं करने का किया है वादा कब दो चीजें कम एक चीज ज्यादा इग्नोर नहीं करने का किया है वादा दो चीजें कम क्या थी मैंने कहा दो चीजें कम जो थी आओ ना। दो चीजें जो कम थी वो क्या थी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम है ऐसा सिर्फ हमने असेस नहीं किया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके देखा है कंट्रोल इफेक्टिव भी है ओ। दूसरी चीज क्या कम थी एक्सेप्शन रेट इज लेस लो एक्सेप्शन रेट ज्यादा क्या है सर ज्यादा ढेर सारे छोटे 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 एक जैसे आइटम्स हैं इसको आप बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल होमोजेनस बैलेंसेस एंड लास्ट पॉइंट क्या था वो हमको इग्नोर नहीं करेगी डिसरिगार्ड नहीं करेगी यानी ऐसे कोई कंडीशन नहीं है ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेज नहीं है दैट द अदर पार्टी में डिसरिगार्ड अवर रिक्वेस्ट क्लियर है क्लियर सर तो लास्ट में बस एक बात ध्यान रखना सर क्या बिलीव यू कैन बिलीव यू कैन कैन के कैपिटल लेटर्स देखो बिलीव यू कैन बस अपने अंदर एक विश्वास रखो मैं कर सकता हूं आपका आधा काम तो वही हो गया आधा काम तो वही हो गया और मैंने कहा आधा काम क्या पूरी क्लास यही हो गई तो यो ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हैव एन ऑसम डे ahead। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते 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 चलते